हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? न्यू लाइट के नीट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों आज री नीट 4 का टेस्ट जो हुआ है उसका डिस्कशन करने के लिए आए हैं, और हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले न्यू लाइट का मिशन नीट 2025, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। जी हाँ, न्यू लाइट ये अधिकार सबको दे रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे यहीं से शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन को बहुत आसान है। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 ml वाटर। ठीक है, डेंसिटी यहां दे रखी है भाई। 1 ml वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हम पहले इसको बता दें कि 1 ml बेटा 1 g वाटर के इक्वल होगा। ये बात आप जान लीजिएगा डेंसिटी के थ्रू है। यहां प्रिंट मिस्टेक हो गया है, 10^-3 मानिएगा किलोग्राम पर ml। ठीक है, तो 1 ml H2O 1 g H2O हो जाएगा। इसको 1/18 अगर कर दिए बेटा तो ये मोल ऑफ H2O आ जाएगा, और अगर इसको N0 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये N0/18 मॉलिक्यूल आ जाएगा, मॉलिक्यूल H2O आ जाएगा। और H2O के एक मॉलिक्यूल में बेटा टोटल 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़ लीजिए। तो यानी ये कितना आ जाएगा, 10/18 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 5/9। सब लोगों को समझ आया? मैंने क्या किया, 1 ml चूंकि डेंसिटी दे रखी थी, 1 g/ml हुआ इसका मतलब, तो ये 1 g H2O आ जाएगा, इंप्लाइज 1/18 मोल ऑफ H2O आ जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास है, और उसके बाद इसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ml ऑफ द वाटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर रिटन फॉर अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ब्रोमीन। ठीक है भाई, तो भाई ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आएगा 4s2 4p5 आएगा। ठीक है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा यही आएगा, इसी में कहीं अनपेयर्ड होगा, तो यानी इसका मतलब ये क्या होगा, 4px 4py 4pz होगा। ठीक है, और यहां पे -1 0 +1 लेंगे। ठीक है, आपको याद होगा ये m की वैल्यूज हैं, तो यहां पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, यानी पांचवा इलेक्ट्रॉन बेटा कहां है, यहां है, बट हमें पांचवा का नहीं पूछ रहा, अनपेयर्ड का पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमें इसके लिए निकालना है ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और l की वैल्यू p के लिए बेटा कितना होगा, 1, क्योंकि l बराबर 0 तो s, l बराबर 1 तो p। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। तो ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, M की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है ना इसके लिए, तो ये M की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, और जो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए इस, ये है क्वांटम नंबर्स। अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता तो वो ये होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू 4 अगेन, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, और s इक्वल टू -1/2 आ जाता। तो ये डिफरेंस है। तो आपको कौन सा आंसर मिलेगा बताइए बेटा, फर्स्ट। कोई डाउट तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन का निकाल के इसलिए दिखा दिया ताकि आपके मन में डाउट ना आए कि मुझे किसका निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। How much Faraday of the charge needed 1.5 mole of FeO into Fe2O3? ठीक है भाई, तो FeO हमने लिखा है ये प्लस का 2 है कॉन्फिग्रेशन,
और ये Fe2O3 लिखा हुआ है, ये प्लस का 3 का कॉन्फिगरेशन है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा बैलेंस कर दूं, केवल इन्हीं का जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो 2Fe2+, ठीक है, और ये 2Fe3+ ऐसे सोच ले, ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे ना लिख करके इस तरह से भी लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3+। तो यहां पे टोटल 4+, यहां टोटल 6+, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यानी अगर मैंने इसका एक मोल लिया है 2+, तो ये इसको कन्वर्ट होने में ये 2 मोल ये यूज किया जाएगा। देखिए इसका और इसका स्टाइकियोमेट्री फिर से देखिएगा, अगर मैं इसका 2 मोल ले लूंगा बेटा, तो ये भी कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 2 फैराडे, ठीक है बेटा, 2 फैराडे चार्ज होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो अगर हमने यहां पे सपोज करो 1 मोल लिया है, तो अच्छा 1.5 मोल लिया है ना, तो 1.5 मोल अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मोल अगर ले लेंगे अगर 2+, तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा, 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो वन, अब देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, मैं आपको बता दूं बेटा, सब लोग ध्यान रखिएगा, 1 फैराडे के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी 1.5 मोल अगर आपने 2+ लिया जो कि Fe3+ में कन्वर्ट किया है, तो इसमें जो चार्ज की जरूरत होगी वो भी कितना होगी, 1.5 फैराडे होगी। सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये आएगा। तो आपको इसको बैलेंस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से रन करेगा, बार बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 में ही रहेगा। तो मैंने यहां से स्टाइकियोमेट्री देखी, 2 मोल Fe2+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो यानी 2 मोल का 2 मोल से रिलेशन है, यानी 2 फैराडे चार्ज, तो 1.5 मोल का क्या होगा, 1.5 फैराडे चार्ज। सब लोगों को समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट आइए, कह रहा 300 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। तो बच्चों आपको थर्मोडायनेमिक का ये रिलेशन पता होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग ऑफ केसी होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला थर्मोडायनेमिक का डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो आपसे कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 10 है और टेम्परेचर आपका 300 है, ठीक है ना, तो आप बताइए इसमें वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 2.303, और अगर आंसर आपके किलो जूल में दिए हैं तो हमें आर की वैल्यू 8.314 रखनी चाहिए, 314 रखेंगे, और टेम्परेचर बेटा 300 आएगा। अब लॉग 10 रखेंगे, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, सब लोग जान लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2.303 × 8.314 × 300 ये जूल में आएगा। अगर इसको बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा किलो जूल में आ जाएगा, जो कि सारा डाटा किसमें लिखा हुआ है, किलो जूल में, सभी लोग समझ रहे हैं। तो यानी इसका मतलब अब ये आया किलो जूल की वैल्यू, और ये 1 मोल के लिए होता है तो किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा -5.744 किलो जूल पर मोल आएगा। तो वेरी सिंपल इज कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी थी, आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ रहा था, तो आपको सीधे सीधे बस ये एक फार्मूला यूज करना था, ठीक है ना, तो आ जाएगा आसानी से। बताइए कोई डाउट हो, आगे बढ़ लिया जाए, ठीक है, सीधे ये फार्मूला रट लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट का ये रिलेशन होता है, ये बेसिकली बेटा इस इक्वेशन से आया है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू सी। तो जब बेटा ये इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये क्यू सी की वैल्यू के सी में चेंज हो जाएगी और वो ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मॉन प्रोसेस, मॉन प्रोसेस अगला क्वेश्चन है, मॉन प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल वी कन्वर्ट इंटू निकिल टेट्राकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स विच इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड फॉलो द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ये मॉन प्रोसेस में जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये NiCO4 बन जाता है हाई टेम्परेचर पर। कह रहा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन,
कि आपको इतना मुझे नहीं पढ़ना है, बस आप ये कह रहे कि इस इक्वेशन का इतना आएगा एक इक्विलिब्रियम रिलेशन, तो आपको केस ही बताना है। तो अब आप लोग बच्चों केसी बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन गैसियस ठीक डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का, तो यानी यहां पे क्या होगा केसी इक्वल टू क्या होगा NiCO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 4 है तो यहां पे पावर हो जाएगा, स्टोइकोमेट्री 4 है तो पावर 4 हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए ये जो Ni सॉलिड ये हटा दो बेटा, तो यानी कौन सा आंसर होगा जल्दी लोग सब लोग देख लीजिए। देखिए CO का 4 पावर कहां है बेटा, देखिए इसमें है, ध्यान से देखिए केसी वाले में, ये सेकंड ऑप्शन में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में CO लिखा हुआ है, पावर 4 नहीं लिखा हुआ है ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में गलत है, यहां पे इसका पावर लिख दिया गया है, तो यानी करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। बताइएगा कोई दिक्कत ठीक है। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे आपने केसी वाला पढ़ा था वैसे ही आपको लिखना है। अगर बेटा केपी पूछता तो केपी के डाटा में जो है आपको पता था क्या लिखना था, केपी लिख देते ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ PbOH होल ट्वाइस इन बफर सॉल्यूशन ऑफ द pH 9। बहुत केयरफुली देखिएगा, आसानी से आ जाएगा। PbOH होल ट्वाइस एक सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है किसी बफर सॉल्यूशन में, तो ये बेटा Pb2+ में और 2OH- में आयनाइज होगा एवरीवन ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि इसका KSP मैंने दे रखा हुआ, कितना दिया है 1.2 × 10⁻¹⁵ ठीक है ना भाई, 1.2 × 10⁻¹⁵ दिया हुआ। कह रहा है इस सॉल्यूशन का pH 9 है, तो बेटा जब pH अगर 9 है तो POH कितना होगा, POH बेटा 5 होगा, तो यानी OH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻¹⁵, ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है ना। OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻¹⁵ होगा। अब आपसे ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी बताओ PbOH होल ट्वाइस का, तो आप लोगों ने इसका KSP वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा है, KSP इज इक्वल टू लेड का जो आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन X मान लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया OH आयन का, ये देखो ये दिया हुआ है, वो कितना है 10⁻¹⁵, इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया OH आयन का इस सॉल्यूशन से। तो अब क्या होगा, KSP दिया हुआ है 1.2 × 10⁻¹⁵ बराबर PB का हमने X मान लिया या कुछ और मान लो, तो यानी इसका मतलब है कि ये क्या मान लो, तो S मान लेते हैं, चलो हम लोग S मान लेते हैं, S मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा PB प्लस का 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा S इंटू 10⁻¹⁵ का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻¹⁰ हो जाएगा, ये कैंसिल हो करके 1.2 × 10⁻¹⁰ आ जाएगा जो कि S आएगा। अब आप देखिए कौन सा आंसर है, 10⁻¹⁵ यानी ये 10 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी ये आएगा 1.2 × 10⁻¹⁵ बराबर S आ जाएगा। तो यही आपको सॉल्युबिलिटी मिल गई। तो चाहे आप सॉल्युबिलिटी आयन की बोलिए चाहे सॉल्युबिलिटी PbOH होल ट्वाइस की बोलिए, दोनों एक ही बात है ठीक है, इसी की सॉल्युबिलिटी आती है जो S का टर्म्स में आती है ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर कौन होगा फर्स्ट वाला, क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए ये कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट कौन सा है ठीक है, यही शुरू करते हैं। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़िए, राउल्ट लॉ इज एग्जाम्पल इज द स्पेशल केस ऑफ द हेनरी लॉ, बिल्कुल करेक्ट बात है, राउल्ट लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है आपके NCERT के पेज में लाइन है ठीक है। और दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना P टोटल इज इक्वल टू क्या होता है PAXA PA प्लस PB, ये पढ़ा होगा, और जो PA है बेटा PA बेसिकली P नॉट AXA होता है कि नहीं होता है, तो यानी ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है, तो अगर इसका लीनियर इक्वेशन है तो इसमें जोड़ोगे तो ये भी लीनियर ही इक्वेशन आएगी, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये भी सही लिखा हुआ ठीक है। तीसरा देखो, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हायर नहीं होगा बेटा, लोअर होगा,
जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल कोई भी पार्टिकल ऐड करोगे, वेपर प्रेशर घट जाएगा सॉल्यूशन का। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यानी आपके पास बचे कौन से स्टेटमेंट, वन और टू, यानी ए और बी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आइए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर है 58, इसको पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार एट 298 केल्विन। कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द वन मोलल सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। आप बताइए नॉन वोलेटाइल अगर पार्टिकल ऐड करेंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर मिलाने के बाद मिक्सचर में क्या होगा, घट जाएगा ना। तो आप पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि लेस देन 1.013, तो कितना घटेगा ये कैलकुलेट नहीं करना था। अगर कितना घटेगा ये कैलकुलेट अगर करना होता तो डेल्टा टी वेपर प्रेशर ना, तो हम लोग वो निकालते, क्या नाम है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वाला फार्मूला लगा लेते। ये तो खैर वही है, पी नॉट माइनस पी एस वाला, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, वो याद होगा आपको, ये वाला लगा के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला अगर चाहते तो लगा के हम पता कर लेते कितना घटेगा, लेकिन वो बस ये कह रहा है कि घटेगा कि नहीं घटेगा, तो घटेगा बेटा। तो वो कितना होगा, 1.013 से कम होगा, ठीक है ना। तो ये आप फार्मूला लगा के कर सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए लिस्ट बी के साथ। देखिए KMn4 बेटा एसिडिफाइड में आपको याद होगा कि KMn4 एसिडिफाइड जो लेते हैं ये +7 से कन्वर्ट होकर के अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, +2 में। तो +7 से +2 कहां लिखा हुआ, ये लिखा हुआ K2Cr2O7 का। बेटा क्या लिखते हो, K2Cr2O7 में बेटा, यहां पे प्लस का 6 होता है, ये अपने आप को चेंज कर देता है किसमें, प्लस के 3 में, यानी ग्रीन कलर में। तो प्लस का 6 से प्लस का 3 कहां लिखा हुआ, देखो ये बी का 1 हो गया। तो पहले एक काम कर लेते, ए का 2 बी का 1, देखो इन्हीं दोनों में है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। सी में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है और वाटर के साथ, ये अब ये अगर कराएंगे हम तो ये सल्फेट में पहुंचेगा, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 का 6 में हो गया। सी का 4 कहां लिखा हुआ है, सी का 4 देखो यहां लिखा हुआ है। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करूं तो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस का 5, HNO3 है, तो HNO3 प्लस का 5 से ये आगे जिसमें चेंज हो जाए, तो जिंक के साथ प्लस का 5 पे प्लस का 4 में जाएगा, तो यानी D का 3 आ जाएगा, तो D का 3 आएगा, तो यानी आंसर कौन होगा, थर्ड वाला। सब लोग समझ गए बेटा, कोई दिक्कत? तो ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पे बेस था, ठीक है, बहुत आसानी से कर लिया आपने। आगे when 20 ml of ethanol, 20 ml C2H5OH, अगर 20 ml water से मिक्स कर दिया जाए तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा आपको मैं बता दूं, वाटर और इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कितना करता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन करेगा तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यानी इसका मतलब 20-20-40, तो 40 से ज्यादा हो जाएगा, तो 40 से ज्यादा कहां लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। सब लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब ये इसके साथ अट्रैक्ट करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां जहां ब्रेक होता है तो उसकी वजह से डेविएशन पॉजिटिव हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वी मिक्स क्या होगा, वो डेल्टा जो है डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी इसका मतलब 20+20 जोड़ोगे तो ये 40 से ज्यादा हो जाएगा। आगे चल जाए, ठीक है, अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो लेस देन, ठीक है, 40 होता। अगर ये मान लीजिए आइडियल सॉल्यूशन होता तो इक्वल टू 40 हो जाता। आगे चलिए, नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेल रिएक्शन हैज इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ था, के इक्विलिब्रियम, ठीक, आपको निकालना है ना। तो वो कह रहा है लॉग के इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई इस सेल रिएक्शन में, ठीक है, के इक्विलिब्रियम का लॉग निकालना है। तो अब आप देखिए इस सेल रिएक्शन का ई नॉट वैल्यूज दिया हुआ है, तो ई नॉट वैल्यूज, तो पहले एक काम करते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग ऑफ केसी पढ़ते हैं, आपको याद होगा ये फार्मूला सीधे सीधे लगाने की, तो आपको यहां पे लॉग केसी आसानी से आ जाएगा। लेकिन इस सेल का ई नॉट निकालते हैं,
E नॉट इक्वल टू क्या होगा, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। तो अब बताओ राइट में कौन है, सिल्वर, तो सिल्वर का कितना लिखा है 0.8, माइनस जिंक का कितना लिखा हुआ माइनस का 0.4, तो यानी अगर बेटा सॉल्व करोगे तो पॉइंट का 1.2 आ जाएगा, 1.20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। यानी इस सेल का E नॉट की वैल्यू आपने निकाल लिया, अब E नॉट की वैल्यू यहां रख लो, यानी 1.20 आया बेटा। इसको और सॉल्व करोगे और राउंड ऑफ करोगे तो 0.06 बाय n। देखिए बेटा जिंक से जिंक 2 प्लस गया है, यहां सिल्वर प्लस से सिल्वर में गया है, तो जब बैलेंस करोगे तो इसके लिए बेटा n की वैल्यू 2 आएगी, कितना आएगी 2 आएगी, तो यानी यहां पे कितना हो जाएगा 2, और ये लॉग क्या रखोगे kc, तो लॉग kc की वैल्यू कितनी आएगी 1.2 into 2 by कितना होगा 0.06। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लॉग kc आ जाएगी, तो जब आप बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 12 × 24, ठीक है ना, और ये 0.06 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये 40 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला पढ़ना था ये वाला, और इसका लॉग kc की वैल्यू आपको निकलवाना था, ठीक, तो इसमें जो है आसानी से कर सकते थे, E नॉट वैल्यू आपको खुद निकालनी थी। आगे चले नेक्स्ट 62, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, भाई हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर एन माइनस वन, जहां पे एन बराबर ऑर्डर है, आप लोगों को पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टी हाफ बेसिकली 1/a0 की पावर 3 है, क्यूब बोल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर करो तो n माइनस 1 इक्वल टू 3 आया, तो यानी n इक्वल टू कितना आया 4, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 4, समझ में आया मेरी बात, तो कंपेयर करना था, तो यानी आंसर विल बी 3rd, कोई डाउट बेटा, ठीक है आगे चले। सीधे सीधे ये फार्मूले पे याद रखना था, इसको अगर आप और ऊपर करते ना तो ये 1 माइनस एन आ जाता है, लेकिन n आपका ऑर्डर ही होता है। नेक्स्ट चले, कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन लेमडा मैक्स, याद रखना, और एनर्जी मिनिमम ये भी बात कह सकते हो इन बामर सीरीज, अगर बामर सीरीज होगी बेटा तो n1 बराबर 2 होगा, ये आप याद रखना, हीलियम आयन, तो हम लोग बताइए आपको रिडबर्ग का फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर एच बोलते हैं या फिर आर बोल दो, आर बोल दो कोई दिक्कत नहीं, आर मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, 1/n1 square माइनस 1/n2 square, ठीक, तो अगर आप मैक्सिमम लेमडा के लिए चाहते हैं तो n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तभी मिनिमम एनर्जी होगी मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड मतलब हीलियम आयन का एटॉमिक नंबर, यानी ये 4 आ जाएगा बेटा, और ये 1/2 square माइनस 1/3 square, बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे बहुत इजी कैलकुलेशन है, यहां चलो मैं कर दे रहा हूं, 4r ये 9 में से 4 गए 5 आया, 3 × 3 = 9 = 4 = 5, तो 5/36 आ रहा है भाई, सब लोग देख लो, तो यानी लेमडा इज इक्वल टू कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये r जो है नीचे ही आएगा, तो r नीचे इसी में है, तो ये 9/5 आ जाएगा, 9/5 r आ जाएगा, सब लोग बताइएगा कोई दिक्कत, 9/5 r आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, तो यानी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, यानी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू चाहिए रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भाई देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इंथैल्पी या गिब्स फ्री एनर्जी इन सब का रिलेशन बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ठीक है, ई की पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी होता है, ये आप याद रखिएगा। अब यहां के इक्विलिब्रियम लिखिए नहीं तो के लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये जो है बेटा के इक्विलिब्रियम ही माना जाएगा, रेट कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, पहले से ही बता दे रहा हूं, रेट कांस्टेंट जो रखा जाता है वो अर्हेनियस इक्वेशन में रखा जाता है। तो आप लोग बेटा देखिए पहला ऑप्शन देकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहां डेल्टा जी लिखा हुआ है जबकि हमें डेल्टा जी नॉट का रिलेशन पूछ रहा है।
अब बेटा ऐसा तो है नहीं, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब जरा एक काम करते हैं, इसका एलन करते हैं, एलन करें तो ये एलन के आ जाएगा, एलन करेंगे तो ये माइनस का डेल्टा जी नॉट बाई आर टी ले लेते हैं, लेकिन कोई भी आंसर एलन के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ, लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2.303 लॉग बेस 10 होता है ना, याद होगा, इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस का डेल्टा जी नॉट बाई आर टी हो जाएगा। इसको और सिंपल करेंगे तो लॉग के बेस 10 होता है इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी होता है। तो यानी के बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा, ये जो बेस होता है इसी की पावर हो जाता है, माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी होगा। यानी कौन सा आंसर होगा, चेक करिए, थर्ड ऑप्शन होगा, क्लियर है। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स था और कुछ नहीं था, ये आपको इक्वेशन पता थी तो ठीक है, आसानी से आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, इस रिएक्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई का रिलेशन चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो है आपने ये पढ़ा होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी होता है, और डेल्टा एन जो होता है बेटा, एन जी प्रोडक्ट माइनस एन जी क्या होता है, रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट का गैसियस मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मॉलिक्यूल। तो ये करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैलेंस करिए, C4H10 को अगर O2 के साथ CO2 का रिएक्शन करवाओगे प्लस H2O करोगे, तो बैलेंस करने के लिए सीधे सीधे बात बेटा, यहां पे क्या करो, यहां पे बैलेंस जब करोगे तो 2C4H10 आएगा। देखो बैलेंस करने में जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं बेटा, वो इंटीजरल होने चाहिए, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मैंने इस तरह से बैलेंस किया। तो ये 13O2 आ जाएगा और ये 8CO2 आ जाएगा, 8CO2 और यहां पे 10H2O हो जाएगा, देख लीजिए शायद बैलेंस हो। और यहां पे गैस है, यहां पे भी गैस है, यहां पे भी गैस है, और ये आपका लिक्विड है, 20 हाइड्रोजन यहां पे, 20 हाइड्रोजन यहां पे, तो 10 यहां पे ऑक्सीजन, 8 दुनी 16, 16 10 26, 26 यहां भी देखिए बैलेंस हो गया। तो ऐसे केस में जब आप डेल्टा एन निकालेंगे बेटा, तो 8 यहां प्रोडक्ट माइनस 2 प्लस 13 ये आ गया, यानी कितना हो गया, माइनस का 7। तो यानी जब हम लोग यहां पे वैल्यू रखेंगे उस वाले इक्वेशन में, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई माइनस 7 आर टी होगा, यानी डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू माइनस का 7 आर टी होगा, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत, नेक्स्ट आ जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर कह रहे एडिशन ऑफ 66 आइए, एडिशन ऑफ विच विल इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। भाई एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में क्या ऐड कर दें, ठीक है, कि इसका पीएच बढ़ जाए, यानी इसका एसिडिक नेचर घट जाए, तभी तो पीएच बढ़ेगा। तो आप देखिए यहां पे यही तो केवल बेस है, इस बेस को आप ऐड कर दोगे तो ये क्या करेगा, इसका एसिडिक नेचर जो है कैंसिल कर देगा, इसको बेसिक बनाता चला जाएगा। तो यानी NaOH ऐड करोगे तब इसका पीएच बढ़ेगा, यानी आंसर नंबर 2, ठीक है, यानी इसका सेकेंड आंसर होगा, ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। आप सब लोगों को पता होगा इसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, जब आप लोग बेंजिल को टोल्यून को, यानी टोल्यून को जब हम लोग CrO2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको हम लोग यहां CHO, ठीक, CrOH Cl2 का होल ट्वाइस, ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट, और इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बेटा, इसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कह देते हैं, और ये CHO बन जाता है, क्या बन जाता है, CHO। तो बेटा इसका ही नाम क्या हो जाता है, इटार्ड। बेटा रीमर टाइमन रिएक्शन में कंफ्यूज मत होना, यहां पे क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन तो इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनाने के लिए है, कैनी जारो रिएक्शन तो जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एक अल्कोहल बन जाता है,
यानी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, 68 आइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज वन मोल ऑफ SO2 इन एसिडिक मीडियम। तो मैं आपको बता दूं बेटा, SO2 को अगर हम लोग KNO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो KNO4 खुद को प्लस का 2 में चेंज कर देगा प्लस के 7 से, और ये इसको SO4 2 माइनस में चेंज कर देगा, जो कि इसका प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है। तो आप जब ध्यान से देखिएगा बैलेंस करने में, तो ये यहां पे जाएगा, प्लस का 2 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें प्लस का 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसका मतलब ये निकला कि हम लोग इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से कर दें, तो यानी इसका मतलब 5SO2 आएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2KNO4, उल्टा करोगे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2Mn2+, ठीक है। और यहां पे 5SO4 2 माइनस आएगा। मैंने बेटा उस कंटेंट को बैलेंस कर दिया है, उस कंटेंट को जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बाकी और सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि 1 मोल, देखिए 5 मोल SO2 को, 5 मोल SO2 को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है इसकी मदद से, तो 2 मोल KNO4 लेना पड़ेगा, 2 मोल KNO4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मोल अगर लेंगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। भाई 5 मोल SO2 को अगर मुझे बैलेंस करना है तो कितना KNO4 लेना पड़ेगा, 2 मोल। तो 1 मोल अगर SO2 को बैलेंस करना है तो कितना करना पड़ेगा, 2/5। तो 2/5 का आंसर है बेटा, देख लो। कोई दिक्कत है बेटा बताइएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्लॉक एलिमेंट। सब लोगों को बता दूं, GD ये F ब्लॉक एलिमेंट है लैंथेनाइड ना बेटा, ठीक है। ये 99 है आइंस्टीनियम, ये भी F ब्लॉक का है। ये सीजियम है, ये आपको S ब्लॉक का। बचा कौन, TC, ये कौन सा होगा, D ब्लॉक का। वेरी इजी, यानी कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला। कोई दिक्कत बेटा, नेक्स्ट आ जाइए, आसान है। कह रहा है स्कैंडियम H2O6 3+, स्कैंडियम H2O6 3+ में आपसे कह रहा है कि क्या होना चाहिए। तो भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्कैंडियम का 3+ ही आएगा, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका मतलब जब हम स्कैंडियम का निकालेंगे तो स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1, तो स्कैंडियम 3+ का कितना होगा, 4s0 और 3d0, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो यानी इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी ये डायमैग्नेटिक हुआ, डायमैग्नेटिक हुआ। और दूसरी बात, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये कलरलेस है और ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसके मोस्टली क्या होंगे कि वो कलरलेस होगा, या तो चार्ज ट्रांसफर हो, तो स्कैंडियम में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, ठीक। यानी इसका मतलब कलरनेस किस वजह से आती है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में जरूर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, या तो चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट कुछ ही कंपाउंड में, जैसे मैंगनीज वगैरह में लगता है, KNO4 वगैरह में। तो यानी कौन सा आंसर आया, कलरलेस और डायमैग्नेटिक, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, नॉन एग्जिस्टेंट मेटल कार्बोनिल अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों मेटल कार्बोनिल में आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लगता है, ठीक है, EAN, ठीक है, ये रूल लगता है मेटल कार्बोनिल्स में, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, एटमिक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो मेटल होता है, और प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स जितने भी होते हैं इनटू लोन पेयर, है ना, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। ये 2 डोनेट कर रहा है तो डोनेट करेगा तो 2 लिख देंगे यहां से, ठीक है। और उसके बाद माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज जितना हो वो देख लीजिए, वो घटा दीजिएगा। तो इसमें तो किसी में भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो छोड़ दो। तो बेटा जिसमें अगर EAN रूल नहीं लगेगा, मतलब इनका जो पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन नोबेल फैमिली के, नोबेल गैस के बराबर ना आ जाए, ठीक, उसी में EAN नहीं लगेगा, तो वो मेटल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मेटल कार्बोनिल।
तो जरा आप लोग इसको निकालिए मैंगनीज को, तो MnCO5 का देख लो, मैंगनीज का बेटा होता है 25, और अगर इसका En निकाल रहे हो तो यहां कोबाल्ट का 10, कार्बन मोनोऑक्साइड का 5 है, दो होता है तो 5 एलिमेंट है, तो 5 × 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 35, यानी ये लेस देन 36 हुआ ना, नोबेल गैस को नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये ईएन को फॉलो नहीं करेगा, यानी एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सीआर को, सीआर सीओ सिक्स में देख लीजिए, क्रोमियम का 24 होता है और सीओ का कितना होगा 2 × 6 हो जाएगा, यानी 24 × 12 = 36 आ जाएगा। देखो ये फॉलो कर रहा है, इसमें 36 आएगा, बाकी इन सब में भी फॉलो करेगा, तो यानी आंसर विल बी कौन सा 2, ठीक है ना। तो यानी मेटल कार्बोनिल्स जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये जो है, ठीक है, बहुत ही मतलब ईगरली फॉलो करते हैं, मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चले नेक्स्ट, 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फॉर 90% ऑफ द रिएक्शन। तो इसको कुछ नहीं करना है बेटा, देखिए टी 75 बराबर परसेंट बराबर 2.303 बाई के, ठीक, लॉग ऑफ 100 बाई क्या हो जाएगा 25, एक तो ये हो जाएगा, तो ये इसका टाइम 30 दे रखा है, और T 90 बराबर क्या होगा, इसको इक्वल कर लो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ क्या होगा 100 बाई 10 हो जाएगा, 90% मतलब 10 हुआ। अब आप क्या करो कि हमें इसका टाइम पता है, इसको इसको डिवाइड कर दो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये है 30 और ये T 90% बच जाएगा, हमें पता करना होगा, बराबर क्या लिखोगे लॉग 4 बाई क्या लिखोगे लॉग 10। अब लॉग 10 1 होता है, तो T 90% क्या आ जाएगा, T 90% बराबर क्या आएगा, ये आएगा 30 बाई क्या हो जाएगा लॉग 4 क्या होगा 2 log 2, यानी 0.6 आएगा, 0.6। अब 0.6 की वैल्यू कितनी होगी 0.6, यानी ये 300/6 आया, ठीक, यानी ये 50 आया, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 50 आ जाएगा, ठीक है ना, बताइएगा कोई दिक्कत। तो अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछे कि 70% का ये आया तो 90% क्या होगा, तो आप दोनों को बना लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। आगे चलते हैं 73 का, ठीक है, ओके बेटा, 0.5 MnaCl 0.25 MCACL2 के साथ रिएक्ट, नहीं है सेपरेट कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी एक ऐसा एसपीएम लेकर के अगर हम लोग बात करें 0.25 MnaCl 0.7 सॉरी डाटा गलत हो गया, फिर से देखिए, यहां पे है बेटा 0.5 MnaCl और ये 0.25 M, ठीक, CaCl2 है, तो वो कह रहे हैं लिक्विड का जो फ्लो होगा किधर, अपने हिसाब से पहले सोचते हैं, तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइवन बराबर ICRT, ठीक, और पाइटू बराबर ICRT, दोनों का मान लेते हैं, तो दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आएगा, इसका आई बेटा 2 होगा, इसका I2 होगा, इसका I/3 होगा, क्योंकि तीन आयनों में टूट रहा है, तो यानी जब पहले वाले का निकालेंगे NaCl वाले का, तो 2 × C कितना है 0.5, अब RT तो दोनों में कॉमन है ना, तो यानी आंसर कितना निकला 1, अगर मैं इसका निकालूं तो I की वैल्यू कितनी है 3 और इसका कितना है 0.25, तो 0.25 का करेंगे तो ये 0.75, तो यानी इस हिसाब से पाई2 की वैल्यू कम हो गई, तो यानी कम इसमें ये पाई2 मान लो और ये पाई1 मान लो, तो यानी ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, ठीक है ना, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो उधर ही से सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वाटर फ्लो होगा वो कहां से फ्लो करेगा, CaCl2 से NaCl की तरफ, कहां फ्लो करेगा CaCl2 से, यानी लो कंसंट्रेशन से कहां हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब लो कंसंट्रेशन टोटल किधर हुआ, इधर हुआ, तो यानी ये इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है ना बेटा, यानी इसका जो मूवमेंट होगा वो इधर से आएगा, इधर से इधर मूव करेगा, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा,
उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो उधर ही से दूसरी की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, यानी वाटर अगर हम कह देंगे NaCl से CaCl2 की तरफ फ्लो हो रहा है तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है 74 इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन विच वन इज टर्मिनेशन स्टेप। भाई देखिए, जब कभी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो उसमें तीन स्टेप होती है, एक इनिशिएशन स्टेप होती है, चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, ठीक, और एक होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप होती है, तो चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक, शुरुआत होते हैं, और चेन प्रोपेगेशन स्टेप में बेटा, ठीक, एक नया रेडिकल किसी छोटे मॉलिक्यूल से या किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके दूसरा कोई नया रेडिकल बनाता है, ये प्रोपेगेशन होता है, और लास्ट होता है बेटा चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होते हैं कि जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो कपल हो करके यानी जुड़ करके वो एक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, तो यानी उसमें दोनों ही रिएक्टिंग बॉडी फ्री रेडिकल होगी। तो भाई देखिए, ये वाला में जो है एक मॉलिक्यूल है एक रेडिकल है, तो ये प्रोपेगेशन टाइप का है, प्रोपेगेशन। ये भी देखिए एक रेडिकल है एक मॉलिक्यूल है, तो ये भी प्रोपेगेशन टाइप का है। इसमें देखिए ये भी एक रेडिकल है, ये भी एक रेडिकल है, यानी दोनों रेडिकल है, तो यानी ये एंड हो रहा है, यानी यही टर्मिनेशन स्टेप है, टर्मिनेशन स्टेप है। और ये वाले में देखो एक मॉलिक्यूल एक रेडिकल है, तो ये भी क्या हो गया, प्रोपेगेशन हो गया। तो यानी इसका मतलब हमारा आंसर कौन आएगा, थर्ड आएगा। सब लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1,3,5,7 साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। तो एक काम करते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन बना देते हैं, बनाने के बाद तब इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ढूंढ लेते हैं। तो 1,3,5,7 ये हो गया। अब उसके बाद अब इसमें हाइड्रोजन अपने मन से जोड़ लीजिए, तो जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा बेटा, ठीक है, तो 8 ऐसे हो गए CH और 8 रिंग में हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो 8, 8, 16 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, 16 सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब पाई बॉन्ड कितने बेटा, 4, तो यानी 4 पाई बॉन्ड हो गए, तो 4 पाई बॉन्ड और 16 सिग्मा बॉन्ड, देखिए कहां लिखा हुआ है, तो 16 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस, तो यानी कौन सा आंसर होगा, सेकंड होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, डिस्कशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और यहीं से अब आगे रवि उत्तम सर डिस्कस करेंगे 76 से लेकर के 100 तक, तो उनके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों, 51 से लेकर 75 तक अक्रम सर ने डिस्कस कर दिया क्वेश्चन, और इसके आगे 76 से लेकर 100 तक मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जिसमें से देखो जरा बेटा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76। इथीन मॉलिक्यूल ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय, जो इथीन मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा बॉन्ड जितने भी हैं वो किस किस ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। पहले बना लेते हैं इथीन मॉलिक्यूल, सी डबल बॉन्ड सी, अब देखो जरा बेटा, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा, तो यहाँ पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो तीन सिग्मा हो गए, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो बेटा जो ये वाले जो बॉन्ड हैं चार CH सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो CH सिग्मा बॉन्ड ये हैं sp2 s ओवरलैपिंग से बने हैं, इसका कार्बन का sp2 और इसका s, तो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का प्योर ऑर्बिटल, तो ये होता है ऑर्बिटल कौन सा, sp2 s ओवरलैपिंग। अब अगर हम लोग बात करें ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग बनती है बेटा sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग, और जो पाई है वो pp कोलेट्रल ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पर बेटा सिग्मा की बात की गई है, तो चार सिग्मा है सब में, और चार सिग्मा कौन से, CH वाले,
तो sp2s ओवरलैपिंग, चार सिग्मा sp2s ओवरलैपिंग वाले, और एक pp बॉन्ड, गलत हो गया बेटा ये, चार सिग्मा sp2s ओवरलैपिंग और एक सिग्मा sp2sp2 ओवरलैपिंग, और आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, 76 का थर्ड। क्लियर बेटा, 76 का थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 77। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट नोन, कौन सा कंपाउंड नोन नहीं है यानी ज्ञात नहीं है। बेटा ध्यान दो, हैलोजन, हैलोजन की जो वैलेंसी होती है वो अल्टरनेट 1, 3, 5, 7 होती है। हैलोजन की वैलेंसी कौन कौन सी, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, लेकिन बेटा इसके बीच में 2, 4, 6 ये सब नहीं हो सकती। तो बेटा यहाँ पर देखो आई और ये कितने क्लोरीन, 4, यानी वैलेंसी आयोडीन की कितनी है, 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, कौन सा नोन नहीं है, आंसर हो जाएगा थर्ड। बेटा NCl3 पॉसिबल है, PF5 पॉसिबल है, BIF पॉसिबल है, क्योंकि नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन फैमिली की जो अगर हम लोग बात करें तो 3 होती है, 5 होती है, तो ये हो जाएंगे, लेकिन ICl4 एग्जिस्ट नहीं करता, ICl3 एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा 77 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, गिव द नेम ऑफ रिएक्टेंट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। बेटा कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट लेते हैं, N2+X-, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग फिनॉल से कराएं तो बेटा यहां पर ये वाला जो पार्ट है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये है बेटा प्लस एम, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है तो ये प्लस एम की तरह है। अब प्लस एम कैसे डायरेक्टर होते हैं, आर्थो पैरा, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर, मेजर प्रोडक्ट पैरा पर, और ये बन जाएगा ये, इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है, तो यहां पर एजो ग्रुप है, ठीक, तो ये हो गया। ऐसे ही बेटा यहां पर अगर एनिलीन होता तो बताओ यहां पर एनिलीन आ जाता और बाकी पूरा ग्रुप यही लग जाता, तो बताओ यहां पर बेंजी, नेम ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो सकता है, फिनॉल सही है, एनिलीन सही है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और अगर यहां पर एनिलीन से कराएंगे तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन। क्लियर है, और ये बेटा डाई होती हैं, एजो डाई बोलते हैं इनको, एजो डाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 78 का आंसर हो गया फोर्थ। 79, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, अगर हम लोग एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करें कंसंट्रेट HNO3 विद H2SO4, तो इसका अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करें तो यहां पर आर्थो नाइट्रो NH2, आर्थो पर नाइट्रेशन मेटा पर नाइट्रो, और तीसरा पैरा पर नाइट्रो। बेटा ये तीनों ही प्रोडक्ट बनते हैं यहां पर इस रिएक्शन में, तीनों ही प्रोडक्ट, आर्थो नाइट्रेस पर नाइट्रो लगता है, मेटा पर भी नाइट्रो और पैरा पर, लेकिन यहां पर जो मेजर होता है वो होता है सबसे ज्यादा पैरा, फिर मेटा, फिर आर्थो, तो सबसे कम यहां पर बनता है कौन सा, आर्थो। और आपसे अगर पूछा जाए कि NH2 वैसे तो होता है बेटा प्लस एम, तो प्लस एम आर्थो पैरा डायरेक्टर हो गए, लेकिन ये मेटा वाला क्यों बन गया बेटा, क्योंकि यहां पर पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता है एनिलीनियम आयन,
और एनिलीनियम आयन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये मेटा वाला भी प्रोडक्ट काफी अच्छी खासा मात्रा में बन जाता है, आर्थो से ज्यादा। क्लियर है? तो यहां पर देखो जरा, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड द नाइट्रो डेरिवेटिव्स, ये नाइट्रो डेरिवेटिव्स बन गए। द माइनर नाइट्रो प्रोडक्ट इज, तो बेटा माइनर कौन सा है? आर्थो वाला। माइनर वाला कौन सा है? आर्थो वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो 79 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन 80। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग एनिलीन की अमीन की बात करें तो इन केस ऑफ मिथाइल, इन केस ऑफ मिथाइल और इन केस ऑफ इथाइल, यानी कि मेथिल अमीन, अब मेथिल अमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करेंगे, एथिल अमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करेंगे, तो यहां पर बेटा ऑर्डर होता है सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, फिर अमोनिया। सेकेंडरी को अगर बेटा 2 लिखें, टर्सरी को 3 लिखें, प्राइमरी को 1 लिखें, तो ऑर्डर हो गया 231। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इथाइल का, तो सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, ये ऑर्डर होता है मिथाइल के केस में। तो देखो जरा, सेकेंडरी को 2 लिखें, प्राइमरी को 1 और टर्सरी को 3, तो ऑर्डर हो गया 213। अब अगर हम इथाइल के केस की बात करें तो सेकेंडरी, टर्सरी, फिर प्राइमरी, तो इसको ऑर्डर बनाएं 2 3 1, तो ऑर्डर हो गया बेटा 231। अब जरा चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर सब किसके केस हैं? देखो इथाइल के, तो इथाइल ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, फिर अमोनिया, तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा? इथाइल का केस है सबसे आगे सेकेंडरी, और सेकेंडरी बेटा कौन सी है? बी, फिर टर्सरी, और टर्सरी बेटा कौन सा है यहाँ पर? डी, सॉरी तो इथाइल है ना, इथाइल अमीन, तो ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी हो गया सी, फिर डी, फिर फर्स्ट यानी 1 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री अमीन क्या है अपना? बी, और सबसे लास्ट में अमोनिया यानी ए, तो ऑर्डर हो गया सी डी बी ए, सी डी बी ए। क्लियर है? सी डी बी ए 80 का आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर बेटा? 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है? बेटा यहां पर अगर हम लोग देखें स्ट्रॉन्ग माइनस एम, यानी कि ये डीएक्टिवेटिंग है, ये भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, तो ये दोनों डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से ये रिंग को क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट कर देंगे, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। लेकिन बेटा यहां पर जब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो कंसंट्रेट एनहाइड्रस AlCl3 और ये होता है बेटा लेविस एसिड और ये है लेविस बेस, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो यहां रिएक्शन तो होती है लेकिन उसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं, वो एसिड बेस रिएक्शन है, तो यहां पर बन जाता है बेटा सॉल्ट, तो ये वाली भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ। तो 81 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है बेटा, यहां पर एक देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है और इसकी रिएक्शन जब हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस कराते हैं तो इसका क्या हो जाता है? अल्फा हैलोजिनेशन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल्वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन यानी HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट दिख रहा है और डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर
इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. अगर कॉपर पाउडर लेते हैं बेटा तो रिएक्शन का नाम होता है गैटरमैन, अगर कॉपर का सॉल्ट लेंगे तो होगा सैंडमेयर. तो बताओ यहां पर कॉपर पाउडर लिया है तो इसका मैचिंग किससे, गैटरमैन रिएक्शन, और बन जाएगा कौन सा, क्लोरोबेंजीन. इस रिएक्शन में क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन. और यहां पर इस वाले में क्या बनेगा, हैलोजन आर्थो, ये अल्फा पोजीशन पर लग जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एमाइड है और इसकी रिएक्शन Br2 विद NaOH, तो ये CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RnH2, यानी इसे बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, क्योंकि एक कार्बन यहां पर लॉस हो जाएगा. ये एक सोडियम सॉल्ट है और सोडियम सॉल्ट की हम लोग क्या कराते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस. क्लियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की हम लोग क्या कराते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस. तो इसकी मैचिंग हो जाएगी थर्ड से. तो बेटा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ए का मैचिंग थर्ड से, ए की मैचिंग थर्ड, बी की मैचिंग फोर से, सी की मैचिंग फर्स्ट से, डी की मैचिंग सेकंड से. आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, 82 का फर्स्ट. क्लियर है बेटा, 82 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट. चलो नेक्स्ट 83 बेटा, यहां पर एक एसिड दिया हुआ है और एक अल्कोहल दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. तो यहां पर बेटा एसिड और अल्कोहल एसिडिक मीडियम में एस्टरीफिकेशन करते हैं, और एस्टरीफिकेशन में ध्यान रखना कि एसिड का निकलता है OH और अल्कोहल का निकलता है H. तो बेटा यहां पर जब इसको जोड़ेंगे तो बताओ ये इससे जुड़ेगा तो जो एस्टर होगा उसमें O18 होगा. तो यहां पर देखो एस्टर जो बना है उसमें O18 नहीं, ये वाला O है. इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड. क्लियर है, तो यहां पर देखो जरा CH3. अब यहां पर देखो दोनों जगह O18 दिखा दिया, इसलिए गलत है क्योंकि एक जगह O18 होगा एक जगह O होगा. क्लियर, नॉर्मल O बेटा, O दो होते हैं, O16 और O18. तो 16 वाले को हम लोग लिख नहीं रहे, जिसको O लिख रहा है वो एक्चुअल में O16 है और जिसको O18 लिख रहे हैं वो एक्चुअल में 18 वाला है. ठीक, तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड. क्लियर, बात समझ में आ गई. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 84. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बेटा यहां पर एल्डिहाइड कीटोन है, ऑलवेज एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से हमेशा ज्यादा होती है. तो चेक करते हैं बेटा, यहां पर एल्डिहाइड आगे हैं, कीटोन पीछे हैं, यहां पर एल्डिहाइड फिर कीटोन फिर एल्डिहाइड. तो ये बेटा यहां पर गलती हो गई, यहां पर देखो कीटोन आगे आ गया, यहां गलत हो गया, यहां पर भी कीटोन आगे हो गया. आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट. तो देखो एल्डिहाइड आगे कीटोन पीछे. अब एल्डिहाइड में भी अगर हम लोग बात करें, ये ग्रुप जितने छोटे होंगे यानी उनका प्लस आई उतना कम होगा, और तो उस पर डेल पॉजिटिव थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जितना बल्की ग्रुप होगा और बल्की ग्रुप का प्लस आई ज़्यादा होगा, और प्लस आई अगर ज़्यादा होगा तो ये डेल पॉजिटिव यानी sp2 कार्बन पर डेल पॉजिटिव और कम हो जाएगा, तो इसके न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. तो बताओ यहाँ पर ये कम छोटा ग्रुप है CH3 C2H5 बल्की, तो बताओ बल्की ग्रुप लगने से इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम. ऐसे यहाँ पर देखो जरा दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो यहाँ पर बल्की ग्रुप आ जाने से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम. आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट. तो एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड. क्लियर है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर ज़्यादा होगा उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 85. द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन BrF3. बेटा ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7. दो दो चार दो छह और एक 7. अब बेटा इसको फ्लोरीन से जोड़ दिया हमने,
ये बन गया बेटा BrF3, और एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तो यहाँ पर अब बताओ फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं ऑलरेडी, तीन, तो एक के पास तीन, तो तीन, इसके पास भी तीन, और इसके पास भी तीन, तो बताओ तीन, तीन दूनी छः, तीन तीन नौ, दस और ग्यारह, तो टोटल लोन पेयर इस मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो आंसर है ग्यारह, और बोले सेंट्रल एटम के पास कितने हैं, तो आंसर होगा दो। तो वो किस बात, किसके बारे में पूछ रहा है, ये ध्यान देना जरूरी है। क्लियर बेटा यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, Mn3+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही है बेटा, Mn की अगर 3+, क्योंकि इसकी मोर स्टेबल होती है Mn2+, तो Mn3+ तुरंत किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, Mn2+ में, तो बताओ खुद का अगर रिडक्शन है, अगर खुद रिड्यूस होना चाह रहा है, तो एजेंट कैसा होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर 2+ में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि मैग्नीज होता है 25, यानी 4s2 3d5, और दो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो बच्चेगा क्या बेटा d5, और d5 क्या होता है बेटा, हाफ फील्ड स्टेबल। तो बताओ ये हाफ फील्ड स्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये Mn2+ हाफ फील्ड स्टेबल होने की वजह से ये इसमें कन्वर्ट होना चाहता है, तो Mn3+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, बट हमें क्या चाहिए, फॉल्स। जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का होता है, एटॉमिक साइज, ये बात भी बिल्कुल सही है, और रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, LuOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन LaOH होल थ्राइस, बिल्कुल बात गलत है बेटा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, जबकि उल्टा अगर होता तो ये सही होता, तो LuOH होल थ्राइस इज मोर नहीं, लेस बेसिक देन LaOH होल थ्राइस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड, क्योंकि यही गलत हो गया। द ऑक्साइड्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑक्साइड जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ट्रांजिशन मेटल के, आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द रिएक्शन यहां पर C6H5CH CHO, इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, तो बेटा ये इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता, बस ये केवल किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को, और CHO को रिड्यूस कर देगा किसमें, CH2OH में, किसमें रिड्यूस कर देगा, CH2OH में, क्लियर है। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो इतना ग्रुप तो वही रहेगा यहां तक, बस CHO रिड्यूस हो गया CH2OH में, आंसर कौन सा हो जाएगा, 87 का सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 88, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। बेटा ध्यान देना, यहां पर एक बेटा पेंटेन है यानी एल्केन, ये 1 डिग्री अमीन, और ये बेटा अल्कोहल, और ये सब कंपरेबल, जरा कार लगभग मॉलिकुलर वेट लगभग कंपरेबल है, ठीक। तो बेटा हमेशा अगर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, देन अल्कोहल, देन अमीन, देन एल्केन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अमीन में होती है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका होगा, अल्कोहल का, फिर अमीन का, फिर एल्केन का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3-2-1, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा 3-2-1, बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 88 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है बेटा, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन 89, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स, और वो भी कहां पर बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। फिर से अमीन का क्वेश्चन आ गया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ बेटा यहां पर अब देखो, मीथेनामाइन, एन मिथाइल मीथेनामाइन और एन एन डाई मिथाइल। तो बताओ यहां मिथाइल का केस है, ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन। अगर इनकी स्ट्रक्चर बनाए तो पहले की स्ट्रक्चर देखो, मेथिल अमीन, दूसरे की स्ट्रक्चर देखें तो एक एच हटा दिया, फिर से मिथाइल लगा दिया, ये तो एन मेथिल मिथेनामाइन, एन मेथिल मिथेनामाइन। फिर यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये मेथिल अमीन था बेटा, यहां पर मैंने दोनों हाइड्रोजन हटा के और यहां पर दो दो मिथाइल लगा दिए, तो ये हो गया एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक, अब बताओ ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन और ये 3 डिग्री अमीन। और मिथाइल के केस में बेटा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन के लिए क्या याद करना बेटा, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, और इसके बाद आता है अमोनिया। तो बेटा वो उसकी जरूरत है नहीं, यहाँ पर दिया नहीं, तो बताओ सेकेंडरी सबसे आगे आएगा, फिर प्राइमरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन। तो सेकेंडरी बेटा कौन सा है, सेकेंड, तो सेकेंड सबसे आगे, प्राइमरी, प्राइमरी ये फर्स्ट वाला है, फिर टर्सरी थर्ड वाला। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 1 3, 2 1 3, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 89 का थर्ड, आंसर कौन सा हो जाएगा, 89 का थर्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 90। तो यहाँ पर बेटा मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रहे हैं फेरी फेरोसाइनाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशियन ब्लू, और यह होता कैसा है बेटा, ब्लू कलर का, यानी इंकी ब्लू, इंक का जैसा ब्लू होता है। फेरी थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट बेटा, फेरिक थायोसाइनेट ये ब्लड रेड प्रेसिपिटेट बनता है। फेरिक थायोसाइनेट का कलर कैसा होता है, रेड ब्लड। तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, ये तो कह रहा है कि इन नॉट करेक्टली मैच कौन है, तो ये तो करेक्टली मैच है, ये भी करेक्टली मैच है। लेड डाइक्रोमेट बेटा, लेड डाइक्रोमेट व्हाइट नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बेटा, ये येलो कलर का होता है, कैनरी येलो, तो ये भाई मैचिंग बिल्कुल सही है, और आंसर कौन सा हो जाएगा, 90 का थर्ड। क्लियर है, चलो तो क्लियर है यहाँ पर बेटा, इसका कलर लेड डाइक्रोमेट का कलर व्हाइट नहीं होता, तो ये मैचिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल के लिए क्या सही है, नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का सेम होना, और अगर बेटा इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर कोई भी है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना होगा, 2.5। 13 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। तो 14 से इधर जाओगे तो भी 0.5 घटता जाएगा, आगे जाओगे तो भी 0.5 घटता जाएगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम तो बॉन्ड ऑर्डर सेम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, और आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, आंसर होगा 91 का थर्ड, आंसर कौन सा हो जाएगा, 91 का थर्ड। 92, Which of the following molecule has zero dipole moment? Zero dipole moment. अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर CLF3, CLF3 में अगर हम लोग बात करें, ये अब बताओ 1 2 3 इसके खर्च हो गए, 4 5 6 7 बेटा, यहाँ पर दो लोन पेयर, और दो लोन पेयर अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम लोग, तो 1 2 3 4 5 इसका सेप होगा बेटा क्या, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और sp3d के केस में अगर दो लोन पेयर हैं तो सेप कैसा होगा, टी सेप, और टी सेप में बेटा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। एचएफ बेटा, अगर इसके डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन
देखें लेस ई एन टू मोर ई एन, तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। बेटा अगर डाई एटॉमिक है और दो डिफरेंट एटम है तो बताओ उसका डाइपोल मोमेंट जीरो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? लेस ई एन टू मोर ई एन, इसकी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होगी। यहां पर हम लोग बात करें जीनॉन का, जो फ्लोराइड है XCF2, तो ये हो गया जीनॉन। बेटा दो फ्लोरीन इससे जुड़ गए, यानी दो इलेक्ट्रॉन इसके खर्च हो गए, चार तो छः और दो आठ, यानी इसके पास लोन पेयर कितने, तीन। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तीन सिग्मा, दो सिग्मा, तीन लोन पेयर, यानी कि पाँच। और पाँच के केस में होता है बेटा sp3d, और sp3d के केस में, और sp3d और तीन लोन पेयर सेप कैसा होगा, लीनियर, और लीनियर में बेटा डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है। जरा देखो ये बेटा एक्स जीनॉन है, और जीनॉन के sp3d के केस में हम लोग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को कहाँ रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पर, और लोन पेयर को कहाँ रखते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पर। ये तो बेटा यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन का ये इसके डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नीचे, इसके डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ऊपर, यानी ये इन दोनों आपस में कट जाएंगे, और लोन पेयर आपस में 120 120, ये आपस में कट जाएंगे। तो लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो आपस में कट जाएगा, और बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो आपस में कट जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो 92 का आंसर हो गया बेटा कौन सा, फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 93। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हैलोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय, बेटा हैलोजन का जो परसेंटेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए मेथड है कौन सा, कैरियस मेथड, ये आपको याद ही रखना चाहिए। जेलडॉल मेथड और ड्यूमास मेथड, ये दोनों बेटा किसके लिए होते हैं, नाइट्रोजन के लिए। क्लियर है? तो 93 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 94, which of the following structure is not resonance stabilized? बेटा यहाँ पर अगर आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज, डबली बॉन्डेड पर, डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर पॉजिटिव आ गया तो बेटा यहाँ पर जो रेजोनेंस करेगा वो ये डबल बॉन्ड करेगा, ना कि ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज होता है, तो यहाँ पर इसका रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत करेक्ट नहीं है, ठीक है। ब्यूटा 13 डाई इन CH2 ठीक है। तो ब्यूटा 13 डाई इन, देखो डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल या अल्टरनेट में रेजोनेंस है, तो यहां पर रेजोनेंस है। इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस यहां पर नहीं है, इस पॉजिटिव चार्ज का यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 94 का आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, फर्स्ट। 95 बेटा यहां पर इस HBr की रिएक्शन कहां पर, इसका एडिशन कहां पर होगा, एल्कीन पर, और ये जो प्रोडक्ट बनना है कह रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, जरा ध्यान दो। बेटा सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और यहाँ पर H+ एक इलेक्ट्रोफाइल और Br- न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे पहले H+ का अटैक होगा या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। अगर इसने यहाँ पर अटैक किया तो कार्बोक्डाइन यहाँ बनेगा, और अगर इसने यहाँ अटैक किया तो कार्बोक्डाइन यहाँ बनेगा। हम लोग दोनों पोजिशन पर कार्बोक्डाइन बना के देख रहे हैं। अब जरा देखो, वैसे तो यहां पर देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा कितने हुए, दो अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर एक, तो टोटल तीन अल्फा एच हैं। इसके पास चार अल्फा एच हैं, इसके पास तीन अल्फा एच, इसके पास चार अल्फा एच, ठीक। अब यहां पर ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोक्डाइन है बेटा, ये वाला, तो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए इससे, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर अगर ध्यान दें कि जो कार्बोक्डाइन है, अगर उन कार्बोक्डाइन बने हुए कार्बोक्डाइन की डिग्री सेम है, तो
तो देखो ये भी सेम डिग्री का और ये भी सेम डिग्री का, तो वो वाला कार्बोकैटायन से मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो रेजोनेंस जो टॉटोमराइज हो सके, सॉरी जो अपने कार्बोकैटायन का क्या कर सके, रीअरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पर ये अपने रीअरेंजमेंट करके अपनी स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन ये इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इधर भी जाए उसके कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन के नंबर में चेंज नहीं आएगा। तो आंसर इससे मेजर प्रोडक्ट किससे होगा, इससे। तो ये बेटा यहाँ पर आ गया, तो कार्बोकैटायन अब कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और फाइनल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, इसलिए Br- माइनस का अटैक यहाँ पर हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द शेप ऑफ द बेटा PS3, 3 सिग्मा एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और शेप कैसा होगा sp3 के केस में, एक लोन पेयर शेप होगा बेटा पिरामिडल। तो यहां पर पहले को लिख दिया टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, पिरामिडल, प्लैनर। तो अभी तक तो 2 ऑप्शन हट चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखें अमोनियम, बेटा अमोनियम में अगर हम लोग बात करें, फार्मूला लगाया हमने हाफ, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, मोनोवैलेंट एटम कितने, 4, और प्लस है तो हम लोग -1, 5 4 9, -1 8 2, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और sp3 के केस में 0 लोन पेयर, तो कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो आगे वाला टेट्राहेड्रल, ये हो गया पिरामिडल। आंसर बेटा कौन सा हो गया, सेकेंड। यहाँ पर XeO2F2, हाफ, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम कितने बेटा 2, और कोई चार्ज नहीं, 8 और 2 10 2, यानी कि 5, और बेटा 5 माइनस साइड एटम, और साइड एटम कितने हैं 4, यानी कि लोन पेयर कितना हो गया इसमें बेटा 1, 5 माइनस साइड एटम, और साइड एटम कितने हैं 4, तो 5 माइनस 4 कितना लोन पेयर 1। अब जरा देखो sp3d के केस में एक लोन पेयर पर शेप कैसा होता है बेटा, सीसा शेप। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड। तो 96 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो एसाइलेशन, बेटा फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन बेटा कोई भी हो, मैं फ्रीडलक्राफ्ट की यहां बात नहीं हो रही, यहां पर कोई भी इस ग्रुप का जुड़ना, CH3CO ग्रुप का जुड़ना, इसी को बोलते हैं क्या, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन कौन कौन लोग कर सकते हैं, 1 डिग्री अमीन किसका हो सकता है, 1 डिग्री अमीन का, 2 डिग्री अमीन का, 3 डिग्री अमीन का नहीं होता, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन इसका हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, लेकिन बेटा ईथर का नहीं होता। तो किसका किसका नहीं होगा, 3 डिग्री अमीन का नहीं होगा और ईथर का नहीं होगा, किसका किसका होगा, 1 डिग्री अमीन, ये भी 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, अल्कोहल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 97 का, ए बी डी ई आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको हम बता ही देते हैं कैसे। जैसे ये ROH, इसकी रिएक्शन RCOCl एसिड क्लोराइड से कराएं, तो बेटा ये, चलिए CH3 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हटा देगा इसको, तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROCOCH3। तो बेटा यहाँ पर अल्कोहल का क्या हो गया, एसाइलेशन, अल्कोहल का क्या हो गया, एसाइलेशन। क्लियर? तो ऐसे ही ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एसाइलेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सॉल्ट बन जाता है बेटा यहाँ पर। चलो 98, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर बेटा इसमें CH3 और ये NO2, ये डीएक्टिवेटिंग और ये एक्टिवेटिंग। तो बेटा हम लोग अगर एक एक्टिवेटिंग हो एक डीएक्टिवेटिंग हो,
तो ब्रोमिनेशन हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एक्टिवेटिंग अकॉर्डिंग। और ये प्लस एच आर्थो पैरा डायरेक्टर, तो पैरा ऑलरेडी फुलफिल है, तो ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पोजिशन पर। तो देखो यहाँ पर ये ब्रोमीन इसके मेटा पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आर्थो पे जुड़ा हुआ है, यहाँ आर्थो पे जुड़ा हुआ है, यहाँ आर्थो में जुड़ा हुआ है। तो अभी तक एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अगर अगला बात करें कि जब ये SN विद HCl, बेटा NO2 को यह किस में रिड्यूस कर देगा, NH2 में, तो बताओ मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन लगा रहेगा। इसके बाद NO2 चेंज हो जाना चाहिए NH2 में, तो ये यहाँ पर NHOH गलत है, यहाँ पर देखो NH2 सही है, ये NO गलत है, तो ये भी गलत है। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, ये ठीक। इसके बाद ये बेटा जो एमीन बन गया, एमीन, तो ये वन डिग्री एमीन है, और वन डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्या कर सकते हैं, हिंसबर्ग रिएजन से रिएक्शन कर सकते हैं, और एक सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या बनेगा यहाँ पर NH2, जैसे RNH2 है, इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बताओ ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा एक, ये। तो आंसर कौन सा बेटा सही है, थर्ड। क्लियर, 98 का आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन 99, फाइंड पी क्यू आर इन द गिवन रिएक्शन। बेटा ये डाइजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है तो शायद पूरी रिएक्शन नहीं लिखी बेटा, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर केवल पी की बात हो रही है। हाँ, इसकी रिएक्शन होनी चाहिए, अच्छा पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, फाइंड द पी क्यू आर इन द गिवन रिएक्शन इज एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड, ये पी है, इसकी रिएक्शन H3PO2 से, अच्छा सॉरी बहुत, ये ऐसा होना चाहिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 से, तो तीन प्रोडक्ट बने पी क्यू आर। अब ये पी क्यू आर क्या होंगे बेटा, ध्यान देना, इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, बेंजीन में, किसमें रिड्यूस कर देता है, बेंजीन में। तो एक प्रोडक्ट अपना क्या हो गया, बेंजीन, दूसरा यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है बेटा, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो इसी से मैच करते हैं बेटा। बेंजीन देखो जरा यहाँ पर, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो बेंजीन एक ही जगह है, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और N2 यहाँ पर है, और क्या बनेगा बेटा, H3PO3, क्या बनेगा, H3PO3, क्लियर। तो यहाँ पर 99 में जो जब H3PO2 से रिड्यूस कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो बेंजीन बनती है, N2 बनता है, और H3PO3 बनता है, क्लियर है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, इसलिए देखो H3PO2 से किस में कन्वर्ट हो गया, H3PO3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बेटा 100, इन द गिवन रिएक्शन NaOCl, बेटा यहाँ पर ये कीटोन है CH3CO CH3, बेटा एक ये मेथिल कीटोन है, मेथिल कीटोन, और मेथिल कीटोन की रिएक्शन NaOCl, बेटा इसी को ऐसे लिख सकते हैं Cl2 with NaOH, Cl2 with NaOH, और ये बेटा एक रिड्यूस, एक रिएजेंट होता है किसका, हैलो फॉर्म रिएक्शन का, किसका रिएक्शन रिएजेंट होता है, हैलो फॉर्म, हैलो फॉर्म रिएक्शन। तो बताओ हैलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये जो मेथिल है, यही ग्रुप, ये मेथिल कीटोन का जो मेथिल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हैलो फॉर्म में, और यहाँ पर क्लोरीन का केस है तो बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्या बन जाएगा, CHCl3, और साथ में क्या बनेगा, इस इतने कार्बन का, दो कार्बन का सॉल्ट, तो बताओ यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O O Na, तो ये हो गया। अब जरा देखो, तो यहाँ पर जो P और Q है
एक होगा क्लोरोफॉर्म और एक होगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो जरा देखते हैं, तो पी और क्यू। अच्छा आगे की रिएक्शन, क्यू की रिएक्शन हम लोग के ओ एच से करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है आर। तो बेटा अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन के ओ एच से कराएं, के ओ एच, तो के प्लस ओ एच माइनस, और यहाँ पर बेटा तीन तीन अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, तो यहाँ पर ओ एच अटैक करेगा और तीनों सी एल लीव कर जाएंगे, तो बताओ यहाँ पर सी एच क्या बन जाएगा, ओ एच, ओ एच और ओ एच। एक कार्बन पर तीन तीन ओ एच अनस्टेबल, क्या निकल जाएगा बेटा वाटर। तो बताओ फर्दर ये देखो जरा क्या बन गया, सी एच, ये ओ एच और ये डबल बॉन्ड ओ, क्लियर है। तो बताओ एच सी डबल ओ एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। और ध्यान रखना फॉर्मिक एसिड बन गया, और फर्दर यहाँ पर जो बेस पड़ा ही हुआ है तो एसिड ना मिलके क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, यानी कि सॉल्ट बनेगा, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा पहला पी हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एसिटिक एसिड नहीं था, यहाँ पर क्या था बेटा पीएच, तो इधर भी हो जाएगा पीएच, ठीक है। तो ये हो जाएगा C6H5COONA, दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा पोटेशियम फॉर्मेट, आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा सेकंड, क्लियर। कोई गलती तो नहीं हुई, ठीक। तो यहाँ पर देखो एसिड बना दिया, जबकि क्या बनेगा सॉल्ट, फाइनल भी एसिड बना दिया, बनेगा क्या सॉल्ट, और यहाँ बनेगा क्लोरोफॉर्म, ठीक। तो 100 का आंसर हो जाएगा सेकंड। तो बेटा हमने सभी क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। तो बेटा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू बेटा सभी को।